हेलो साथियों, जय हिंद। मैं आप सभी का भारतपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्टैटिक जीके का वीडियो नंबर 19 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि वीडियो नंबर 19 में किस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न दिया गया है कि महावीर स्वामी कौन थे। पहला प्रश्न क्या दिया गया है, महावीर स्वामी कौन थे। ऑप्शन ए दिया गया है 21वें तीर्थकर, बी दिया गया है 24वें तीर्थकर, सी दिया गया है 23वें तीर्थकर और डी दिया गया है 22वें तीर्थकर। यदि हम लोग महावीर स्वामी की बात करेंगे तो महावीर स्वामी जैन धर्म की 24वें तीर्थकर थे। और ए जैन धर्म की संस्थापक भी थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे और ये जैन धर्म के संस्थापक भी थे। दोस्तों, 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। कौन थे, पार्श्वनाथ। दोस्तों, हम लोग क्या क्या देखे कि महावीर स्वामी कौन थे। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भी थे और ये जैन धर्म के संस्थापक भी माने जाते थे। दोस्तों, फिर उसके बाद हम लोग देखें कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। कौन थे, पार्श्वनाथ थे। प्रश्न क्या पूछा कि महावीर स्वामी कौन थे, तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो चलिए देखते हैं कि 24वें तीर्थंकर किस ऑप्शन में दिया गया है। पहला दिया गया 21वें तीर्थंकर और दूसरा दिया गया 24वें तीर्थंकर। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो प्रश्न नंबर एक का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों, प्रश्न नंबर दो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था। मतलब कि वह कौन था, व्यक्ति था जो निरक्षर, मतलब कि जो अनपढ़ था। क्या था, अनपढ़ था। पहला दिया गया जहांगीर का असली नाम, सलीम था। क्या था, सलीम। तो सलीम जहांगीर का असली नाम था। शाहजहां की बात करेंगे हम लोग तो शाहजहां ताजमहल का निर्माण करवाया। और किसकी याद में करवाया, तो यह अपनी पत्नी मुमताज महल के याद में करवाया। दोस्तों, ताजमहल की बात करेंगे तो यह कहां पर स्थित है, तो ताजमहल उत्तर प्रदेश राज्य के
उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है। आगरा शहर में स्थित है। तो ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आगरा शहर में स्थित है। और यह किस नदी के किनारे स्थित है? आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? तो आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों फिर उसके बाद दिया गया है अकबर। यदि हम लोग अकबर की बात करेंगे तो अकबर जजिया कर को समाप्त किया। जजिया कर को समाप्त करने वाला, को समाप्त समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक था। करने वाला पहला मुगल शासक था, तो अकबर जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक था। औरंगजेब की बात करेंगे हम लोग तो औरंगजेब, दोस्तों औरंगजेब की बात करेंगे तो औरंगजेब जजिया कर को, जजिया कर को पुनः लागू किया, को पुनः लागू किया, लागू किया। दोस्तों जजिया कर एक ऐसा कर था जो केवल हिंदुओं को देना पड़ता था, न कि मुसलमानों को। तो जजिया कर को पुनः लागू करने वाला कौन सा मुगल शासक था? तो जजिया कर को पुनः लागू करने वाला अकबर था। कौन था? अकबर का, वो अकबर था। और जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक अकबर था। और जबकि जजिया कर को पुनः लागू करने वाला पहला मुगल शासक औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब था। और जजिया कर एक ऐसा कर था जो केवल हिंदुओं को चुकाना पड़ता था। दोस्तों प्रश्न क्या पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? तो पूरे मुगल शासकों में से सिर्फ एकमात्र ऐसा मुगल शासक अकबर था जो क्या था? अनपढ़ था। तो प्रश्न नंबर दो का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अकबर एकमात्र ऐसा मुगल शासक था जो क्या था? अनपढ़ था। क्या था? अनपढ़ था। दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? आप लोग बताइए कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? पहला दिया गया भारत, दूसरा दिया गया है अमेरिका, तीसरा दिया गया ब्रिटेन, और फिर चौथा दिया गया फ्रांस। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, बड़ा लिखित संविधान, संविधान भारत देश का है, भारत देश का है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां हैं, 8 अनुसूचियां थी। दोस्तों तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत देश का है, जिसमें 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां थी। दोस्तों वर्तमान में बात करेंगे तो वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। कितने अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों
शुरू में जो संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां थी, बट मतलब कि परंतु वर्तमान में 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां उपलब्ध हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा देश का हो जाता है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत देश का हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत देश का है, तो प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है, दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जो मुख्यमंत्री होते हैं राज्य के, उनकी नियुक्ति कौन करता है? पहला दिया गया भारत का राष्ट्रपति, दूसरा दिया गया उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तीसरा दिया गया राज्यपाल और चौथा दिया गया दल का अध्यक्ष। तो हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और जबकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और यह अनुच्छेद 164 एक के तहत करता है। अनुच्छेद 164 एक के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो संविधान के अनुच्छेद 164 एक में यह कहा गया है कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और जबकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रश्न क्या पूछा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 दिया गया कि क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पहला दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करेंगे तो यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप हो जाता है आपका। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन हो जाता है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाता है। दूसरा दिया गया एशिया महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप की बात करेंगे तो यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाता है। सबसे बड़ा महाद्वीप, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाता है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप हो जाता है। जबकि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाता है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाता है। प्रश्न क्या पूछा कि क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका हो जाता है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। तो प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। जबकि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाता है?
तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो हम लोग बात करेंगे विटामिन ए, तो विटामिन ए आपका हो जाता है रतौधि। क्या हो जाता है? रतौधि। रतौधि विटामिन ए की कमी के कारण होता है। बी दिया गया है, तो बी की बात करें तो हो जाएगा बेरीबेरी। तो बेरीबेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बेरीबेरी नामक रोग विटामिन बी की कमी के कारण होता है। जबकि डी की बात करेंगे तो डी हो जाता है आपका हड्डियों का कमजोर होना। तो हड्डियां किसके कारण, मतलब किस विटामिन के कारण कमजोर होती हैं? तो हड्डियां विटामिन डी की कमी के कारण कमजोर होती हैं। इसमें क्या पूछा है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और जबकि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना गया है आंवला। क्या? आंवला। दूसरे नंबर पर आपका हो जाता है अमरूद। क्या हो जाता है? अमरूद। फिर उसके बाद आपका हो जाता है नींबू। क्या हो जाता है? नींबू। दोस्तों प्रश्न दिया था कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। जबकि विटामिन सी आंवला, अमरूद एवं नींबू में अधिक रूप से पाया जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 7 दिया गया है कि निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? यार आप लोग बताइए। पहला दिया गया अधर वेद, दूसरा दिया गया साम वेद, तीसरा दिया गया ऋग्वेद और चौथा दिया गया यजुर्वेद। यदि हम लोग बात करेंगे ऋग्वेद की, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा वेद हो जाता है? ऋग्वेद। दोस्तों और यह किस देवता को समर्पित है? तो यह भगवान इष्ट को समर्पित है। भगवान इष्ट को समर्पित है और यह सबसे प्राचीन वेद माना गया है। तो प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा वेद है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। जबकि प्रश्न क्या पूछा कि निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? हम लोग बात करेंगे अधर वेद की, तो बीमारियों का उपचार आपका दिया गया है अथर्ववेद। बीमारियों का उपचार। तो बीमारियों का उपचार के बारे में किस वेद में बताया गया है? तो बीमारियों के उपचार के बारे में अथर्ववेद में बताया गया है। तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आठवें प्रश्न की ओर। दोस्तों आठवां प्रश्न दिया गया कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न नंबर 8 दिया गया है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया 8 मार्च, बी दिया गया 11 जुलाई। 11 जुलाई की बात करेंगे हम लोग, तो 11 जुलाई को आपका मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। तो विश्व जनसंख्या दिवस आपका मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है।
क्या मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। दोस्तों फिर दिया गया है 22 मार्च, तो 22 मार्च को आपका माना जाता है बिहार दिवस, बिहार दिवस। दोस्तों बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 22 मार्च 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का गठन हुआ, बिहार बिहार राज्य का गठन हुआ, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। जबकि दे दिया गया 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। तो विश्व एड्स दिवस को मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस आपको मनाया जाता है 1 दिसंबर। प्रश्न क्या पूछा कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। विश्व महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, जबकि विश्व जनसंख्या दिवस आपका माना जाता है 11 जुलाई को, और जबकि बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, फिर उसके बाद विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया कि डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। जो आपका डायनमो होता है वह मतलब कि ऊर्जा किसमें परिवर्तित करता है? आप लोग बताइए कि डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। तो डायनमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। माइकल फैराडे ने किया था। तो डायनमो का आविष्कार किसने किया था? तो डायनमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। दोस्तों यह एक ऐसा जनित्र है, डायनमो एक ऐसा जनित्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और दोस्तों जनित्र कितने प्रकार के होते हैं? तो जनित्र दो प्रकार के होते हैं, पहला आपका हो गया एसी, क्या हो गया एसी, और दूसरा आपका हो गया डीसी, क्या हो गया डीसी। एसी प्रत्यावर्ती धारा और जबकि डीसी दृष्टि धारा। तो डायनमो एक ऐसी जनित्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करती है, और डायनमो का आविष्कार आपका हो जाता है माइकल फैराडे ने किया था। तो डायनमो का आविष्कार किसने किया था? तो डायनमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। और एक ऐसा जनित्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करता है। और जनित्र मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो जनित्र दो प्रकार के होते हैं, पहला आपका हो गया एसी और दूसरा आपका हो गया डीसी। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 दिया गया है कि आग्नेयलिक अम्ल निम्नलिखित में से पाया जाता है। जो आग्नेयलिक अम्ल होता है वह किसमें पाया जाता है? पहला दिया है सेब में, तो सेब की बात करेंगे हम लोग तो इसमें पाया जाता है मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल आपका पाया जाता है सेब में, मैलिक अम्ल। फिर उसके बाद आएगा इमली में, इमली की बात करेंगे हो जाता है टार्टरिक अम्ल। तो टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। अब फिर उसके बाद दिया गया आम में, तो आम की बात करेंगे हो जाता है साइट्रिक अम्ल। तो साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल आम में पाया जाता है।
फिर उसके बाद दिया टमाटर में, तो जो आर्जेनिक अम्ल होता है वह टमाटर पाया जाता है, किसमें पाया जाता है टमाटर में। तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो आपका आर्जेनिक अम्ल होता है वह टमाटर में पाया जाता है। और टमाटर किसके कारण लाल होता है, तो है लाइकोपीन के कारण लाल होता है, किस कारण, लाइकोपीन के कारण टमाटर लाल होता है, लाइकोपीन का टमाटर क्या होता है लाल होता है। दोस्तों जो मैलिक अम्ल होगा, तो मैलिक अम्ल आपका पाया जाएगा सेब में, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में, जबकि साइट्रिक अम्ल पाया जाता है आम में। और फिर उसके बाद जो आर्जेनिक अम्ल होता है, आर्जेनिक अम्ल आपका पाया जाता है टमाटर में। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है, कि अमेरिका देश की राजधानी है, पहला दिया गया इस्लामाबाद। इस्लामाबाद की बात करेंगे तो हम लोग पाकिस्तान, देश की राजधानी हो जाती है इस्लामाबाद। वियना, की बात करेंगे हो जाता ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया देश की राजधानी आपका हो जाएगा वियना। ऑस्ट्रिया देश की राजधानी क्या हो जाएगा, वियना। फिर उसके बाद दिया गया वाशिंगटन डीसी। फिर उसके बाद दिया गया लिस्बन, की बात करेंगे तो हो जाएगा पुर्तगाल, की राजधानी, तो पुर्तगाल की राजधानी आपका हो जाएगा लिस्बन। क्या हो जाएगा, लिस्बन। पुर्तगाल, तो पुर्तगाल की राजधानी क्या हो जाएगा, तो पुर्तगाल की राजधानी आपका हो जाएगा लिस्बन। प्रश्न क्या पूछा कि अमेरिका देश की राजधानी है, तो अमेरिका देश की राजधानी आपका हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। तो प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों अमेरिका देश की राजधानी आपका हो जाता है वाशिंगटन डीसी, और जबकि इस्लामाबाद तो आपका हो जाएगा पाकिस्तान, वियना आपका हो जाएगा ऑस्ट्रिया, जबकि लिस्बन आपका हो जाएगा पुर्तगाल। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 12 दिया गया है, सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है, जो सफेद रेगिस्तान है वह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों सफेद रेगिस्तान यह थार रेगिस्तान का एक हिस्सा है, थार रेगिस्तान, का भाग है, किसका भाग है, जो गुजरात राज्य में पड़ता है, किस राज्य में, गुजरात राज्य में पड़ता है। यह नमक उत्पादन के लिए, प्रसिद्ध है, जो आपका सफेद रेगिस्तान है यह नमक उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, और किस राज्य में पड़ता है, तो यह गुजरात राज्य में पड़ता है। दोस्तों तो गुजरात राज्य आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पड़ता है, तो यह गुजरात राज्य में पड़ता है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया है, कि मिजोरम राज्य की राजधानी है, पहला दिया गया देहरादून, की बात करेंगे तो हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी आपका हो जाएगा देहरादून। फिर दिया तमिलनाडु, एवं आपका हो जाएगा चेन्नई, क्या हो जाएगा, चेन्नई। फिर उसके बाद दिया गया जयपुर, आपका हो जाएगा राजस्थान, राज्य की राजधानी आपका हो जाएगा जयपुर। प्रश्न क्या पूछा कि मिजोरम
राज्य की राजधानी है तो मिजोरम की राजधानी आपका हो जाएगा आइजोल, क्या हो जाएगा आइजोल, तो आइजोल आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया मारो फिरंगी को यह नारा किसने दिया था, पहला दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू, आराम हराम है, आराम आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस का नारा था दिल्ली चलो, तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया सुभाष चंद्र बोस ने दिया, किसने दिया सुभाष चंद्र बोस ने दिया। मंगल पांडे महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी की बात करेंगे तो करो या मरो, करो या मरो का नारा, फिर उसके बाद दिया गया मंगल पांडे, तो मारो फिरंगी का नारा मंगल पांडे ने दिया था, किसने दिया था मंगल पांडे ने दिया था, तो मंगल पांडे आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 15 दिया गया कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था, भारत का अंतिम वायसराय कौन था, प्रश्न ऑप्शन नंबर ए दिया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंक, बी दिया गया लॉर्ड माउंटबेटन, सी दिया गया लॉर्ड केनिंग और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यह प्रश्न आपको मिलता है होमवर्क के रूप में और इस प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में, हमें आशा है कि आप लोग इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों तो इस प्रश्न का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों कल के प्रश्नों का जवाब देने वाले जो विद्यार्थी थे वो इस प्रकार हैं, पहला आपका था रविंद्र यादव, दूसरा था सूरज दुबे, फिर उसके बाद था खुशी गुप्ता, अग्रिमा दुबे, दीक्षा दुबे और फिर उसके बाद था सूरज यादव एल, उसके बाद था अभिषेक शुक्ला, शुभम शर्मा। तो इन विद्यार्थियों ने मतलब कि बहुत कम समय में बहुत ही सटीकता से जवाब दिए थे, हमें आशा है कि आप लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देंगे ताकि जो बच्चे इस प्रश्न का जवाब देंगे कल के वीडियो में हम उनका नाम बता सके। दोस्तों आज तक के लिए हम स्टैटिक जी के यहीं मतलब कि बंद कर रहे हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।